गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग धावक कहानी को फिर से पढ़ेंगे, जिसमें हम अशोक दा के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस कहानी के लेखक संजीव हैं, जिनका जन्म 6 जुलाई 1947 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज हम लोग अशोक दा के चरित्र चित्रण को पढ़ेंगे। मैंने उसके कुछ पॉइंट्स को दे दिया है जिसे तुम्हें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला पॉइंट है खुदगर्ज इंसान। अब अशोक दा तो खुदगर्ज थे ही, क्योंकि वह परिवार में बड़े थे, फिर भी वह अपनी परिवार की जिम्मेदारी को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। बहन की शादी, माँ की तबीयत, इन सब चीज़ों से उनका कोई वास्ता न था। बस वह खुद को बड़ा दिखाने और ऊंचाई पर जाने के ही हुए में लगे रहते थे। और दूसरा पॉइंट है मौका परस। मौका परस होता यानी कि समय का फायदा उठाना। तो अशोक दा भी मौका परस इंसान थे। घर के कार्यों से दूर रहने के लिए वह हमेशा पढ़ाई के कार्य में लगे रहे, जिसके कारण उन्हें सरकार से स्कॉलरशिप भी मिलने लगी और मौका पाते ही अपने बड़े बड़े साहब की जी हुजूरी करके, उनकी चुगली करके, वो जैसे भी हो हर रास्ता अपना के वह ऊंचाइयों पे बढ़ने लगे। और उनके मन में बस यही था कि कैसे इस दुनिया से ऊपर उठ के एक शान का जीवन जिए। तीसरा पॉइंट है आधुनिकता का प्रतिमोह। अब ये तो उनके रहन सहन से ही पता चलता है कि वो कितने आधुनिक व्यक्ति थे। वो आधुनिक जीवन को अपनाना उनके लिए कितना प्रिय था। सबसे पहले एक आधुनिक जीवन जीने के लिए पैसे और पद की आवश्यकता होती है, इसी के कारण उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया और अपनी माँ के छोटे से घर में रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ तक कि शादी भी हुई तो वो लड़की वालों के बंगले पे हुई और उनके माँ और खुद के भाई को एक बाहर वालों की तरह निमंत्रण दिया गया था। चौथा पॉइंट है इंसानियत के विरोधी। अब अशोक दा कैसे इंसानियत के विरोधी थे? अशोक दा ने कभी भी अपने घर और परिवार का सहयोग नहीं किया। उनका छोटा भाई परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते टूट चुका था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने छोटे भाई के बारे में कोई भी खोज खबर न ली। यहाँ तक कि माँ उनके लिए काफ़ी रोती थी। वो एक बहुत सांघातिक बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन कभी भी उन्होंने उनका हाल समाचार ना पूछा। यहाँ तक कि उनके मरने पर वे विदेश गए थे और घर पर देखने नहीं आए। भला ऐसा कोई इंसान हो सकता था? और दोनों भाइयों में इसी कारण इतनी ज़्यादा टकरार हो गई कि हम्बलदा के मरने के बाद भी वह उनकी लाश को देख भी न सके, वो अंतिम समय में उनका मुंह भी न देख सके। और यहाँ तक कि तो इसे हम इंसानियत के विरोधी ही बोलेंगे, कि मरते समय सभी एक दूसरे को पूछते हैं, एक दूसरे के प्रति एक भावना आ जाती है, कोमल भावना आ जाती है कि हाँ यह मेरा भाई था, यह मेरी माता थी, लेकिन अशोक दा के अंदर यह कभी भावना देखने को नहीं मिली। पांचवा पॉइंट है भाई के विरोधी। अब भाई के विरोधी तो वो शुरू से ही थे। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर था। जब अशोक दा हम्बलदा को पुरस्कार देने के लिए बुलाते हैं तो भी वह उन पर कटाक्ष करते हैं, जिससे हम्बलदा इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि वह बिना पुरस्कार लिए ही चल जाते हैं। और इसी से पता चल सकता है कि दोनों भाई एक दूसरे से कितनी नफरत करते थे। तो अशोक दा कैसे भाई के विरोधी, वही अभी आपको पता चल गया। अब इन पांचों पॉइंट को होमवर्क के तौर पे आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। थैंक यू बच्चों। अब तुम लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे लिखे गए ईमेल एड्रेस पे कल तक 1:40 PM के अंदर सेंड करोगे।